नगरी अयोध्या में बड़ी धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिरों के महंत व पुजारियों को, जो भी भक्त जिसको अपना गुरु माने थे, सभी श्रद्धालुओं ने अपने गुरु की आरती पूजा करने के बाद अपने अपने गुरुओं को अंगवस्त्र भेंट कर गुरुजनों को आशीर्वाद दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी मठ मंदिरों में भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तगणों के गुरु का आशीर्वाद लेकर भंडारा ग्रहण किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वेदी मंदिर के महंत दिलीप दास त्यागी ने अपने आश्रम में पौधारोपण कर सभी भक्तों को कहा कि सभी एक पौधा जरूर लगाएं, जिसमें प्रदूषण से जो हो रही बीमारियां फैल रही हैं वो सभी वृक्ष कमी से हो रही है, इसलिए एक पौधा जरूर लगाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने पर शाम को 4:20 तक सूतक लग जाने से शाम 4 बजे से मंदिरों में आरती कर सभी मठ मंदिरों के पट बंद कर दिए जाएंगे। आज का जो है वातावरण भी सब अलग हो जाता है। आज के डेट में मतलब सिद्धि प्राप्त या वैसा माहौल बन जाता है, वैसा मौसम बन जाता है कि वातावरण इतने शुद्ध कि आज के ही वातावरण से किसान लोग भी इसका भी महत्व रखते हैं कि अगले साल कैसा फसल है। गुरु पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व और गुरु का ऐसा है कि अंधकार से प्रकाश की ओर लोग मान लेते हैं कि गुरु जो की शिक्षा देते हैं वही गुरु, लेकिन नहीं, जीवन में बदलाव लाने वाले गुरु ऐसे होते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं जीवन में। सूतक का समय सूतक 4:30 के पास तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु के लिए माना जाता है। यह माना जाता है कि गुरु ही वह व्यक्तित्व है जो हमको अंधकार की ओर से निकालकर प्रकाश की ओर ला सकते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति में जो कहा गया है कि भव को पार कराने का, अगर कोई मुझे भव पार करा सकता है तो वो गुरु ही होता है जो भव को पार कराते हैं। इसलिए आज के दिन सभी शिष्य भक्त अपने अपने गुरुओं के पास जाकर अनादिकाल से भगवान श्री नेता उस समय भगवान व्यास की पूजा की जाती है। व्यास की पूजा की ही विशेषता है और तब से आज तक ऋषियों की परंपरा में पूजा शुरू हो है और होती रहेगी। ऐसे भक्तों के लिए गुरु भक्त गुरुदेव भगवान जो होते हैं वो हमारे जीवन को अंधकार से ले जा करके प्रकाश में स्थापित करते हैं। हमारे हृदय का जो अज्ञान रूपी अंधकार है गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके पूजन से, उनके वंदन से, आत्मीय रूप से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से अगर गुरुदेव भगवान की पूजा आराधना की जाए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।